सुन रहे हैं दिल में हो तुम, मेरे यानी कृतिका के साथ। वो पहली बात, बारिश का अलसाया मौसम था, सुबह का समय था, तकरीबन 8 बज रहे होंगे। आदित्य अलसाया सा अपने बेड पर सोया था। दोबारा अलार्म बजा, पर आदित्य ने बिना आंखें खोले ही अलार्म बंद कर दिया और अपनी चादर तान कर सो गया। आदित्य जी, बिल्कुल सही समझा आपने, हमारी कहानी का हीरो। बाथरूम से वरुण बाहर निकला और आदित्य को अभी भी सोता देख उसने चिढ़ कर कहा, क्या यार, मतलब रोज रोज का यही है तेरा, उठ यार, फिर लेट करेगा। भाई, घर वालों ने यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भेजा है, सोने के लिए नहीं, और तू इतने अलार्म क्यों लगाता है जब तुझे उठना ही नहीं होता। वरुण ने आदित्य की चादर खींच कर उसे उठाना चाहा। तेरी वजह से रोज सुबह कोचिंग लेट पहुंचते हैं, वरुण उसे धक्का मार के उठाते हुए बोला। आदित्य ने जमाई ली और उठ बैठा। उसने एक भाव टेढ़ी करके वरुण को देखा। नहीं, मेरे माँ बाप ने तो मुझे तेरी सड़ी हुई शक्ल देखकर उठने के लिए भेजा है, आ जाता है रोज मुंह उठा के। आदित्य और वरुण दोनों अपने घर से दूर दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। जैसे तैसे आदित्य उठा और तैयार होकर वरुण के साथ बाइक से कोचिंग के लिए निकल गया।